तो पोकेमोन जर्नी को स्टार्ट होके ऑलमोस्ट 2 साल हो चुका है और इन 2 सालों में हमें काफी सारे एपिसोड देखने को मिले हैं। अभी रिसेंटली पोकेमोन जर्नी का एपिसोड 110 रिलीज हुआ है जो कि एक काफी अच्छा एपिसोड था, लेकिन जैसे ही जैसे सीरीज आगे बढ़ते जा रही है हमें रियलाइज हो रहा है कि पोकेमोन जर्नी अपने एंडिंग के बहुत ही ज्यादा क्लोज है। तो आज की वीडियो में आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि पोकेमोन जर्नी अपने एंडिंग के कितने क्लोज है, क्या पोकेमोन जर्नी के एंड में एश पोकेमोन सीरीज को छोड़ते हुए नजर आ सकता है और भी कुछ अलग अलग पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करने वाला हूँ। बट इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आप लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, बिकॉज मैं ऐसी पोकेमोन के अमेजिंग कंटेंट लाता रहता हूँ। सो बिना किसी और बातचीत के साथ चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहले अगर मैं पोकेमोन जर्नी सीरीज की बात करूं तो मैं आप लोग से एक चीज सच कहूंगा कि मुझे पोकेमोन जर्नी इतना पसंद नहीं आ रहा है। सच में मतलब ये सीरीज में इतना पोटेंशियल था लेकिन ये लोग ने उसको बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बनाया। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग घाई कर रहे हैं, यानी कि फटाफट एंड करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो बैटल्स हो रहे हैं, इतने इंपॉर्टेंट बैटल, जैसे एश का रायहान के अगेंस्ट बैटल हुआ, भले वो बैटल पूरे एपिसोड तक चला लेकिन एपिसोड खत्म होने के बाद एक अधूरी सी फीलिंग लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये फाइट को ज्यादा टाइम तक चलना चाहिए था या एटलीस्ट 6-on-6 बैटल रखना चाहिए था मेरे हिसाब से, क्योंकि ये बैटल काफी इंपॉर्टेंट था और आई होप कि उन्होंने फ्यूचर में 6-on-6 बैटल रखे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे पोकेमोन जर्नी में बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। ऐसी भी कुछ चीजें हैं जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आई, जैसे फॉर एग्जाम्पल शुरुआत के कुछ एपिसोड मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे जिनकी वजह से मेरी इतनी हाई एक्सपेक्टेशन थी ये सीरीज से। तो जब मैंने पोकेमोन जर्नी शुरुआत में देखना चालू किया था तो मुझे लगा था कि ये सीरीज कभी एंड ही नहीं होगी, यानी कि मतलब नए रीजन इंट्रोड्यूस किए जाएंगे और हमें पोकेमोन जर्नी में आगे आगे हर एक रीजन के बारे में बताया जाएगा, ऐसा कुछ मुझे लग रहा था। लेकिन जिस तरीके से पोकेमोन जर्नी सीरीज चल रही है उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि इसकी एंडिंग काफी ज्यादा क्लोज है, और काफी ज्यादा क्लोज से मेरा मतलब 30 एपिसोड मैक्स टू मैक्स, क्योंकि पोकेमोन के नए रीजन को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और मतलब अभी वो रीजन आई थिंक इस साल के एंड तक एक गेम आने वाला है, पोकेमोन स्कारलेट एंड वॉयलेट। ये गेम के आने के बाद ऑफिशियली जेन 9 रिलीज हो गया होगा और या तो उसी दिन या तो उसके 1-2 दिन बाद हमें उसका एनीमे भी देखने को मिल जाएगा। और ये जो गेम है इस साल नवंबर में रिलीज होगा तो उस टाइम तक ही हमें पोकेमोन जर्नी देखने को मिलेगा, उसके बाद हमें इस रीजन पे बेस्ड कोई एनीमे देखने को मिलेगा पोकेमोन का। इसमें तो कोई डाउट नहीं कि पोकेमोन का एनीमे खत्म नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि पोकेमोन की कंपनी बहुत पैसा कमाती है पोकेमोन के एनीमे से, तो इसलिए पोकेमोन तो कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर बात करूं पोकेमोन जर्नी की तो वो इस टाइम तक एंड हो जाएगा। उसके पीछे का रीजन सिंपल है, क्योंकि एश मुझे लगता है या तो लियोन को हरा देगा, जिससे देखा जाए तो उसका गोल काइंड ऑफ कंप्लीट हो जाएगा, जो उसका गोल था शुरुआत से कि मतलब उसको स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर बनना है या कह सकते हो कि पोकेमोन मास्टर बनना है। आई थिंक लियोन को हराने के बाद उसका वो गोल अचीव हो जाएगा और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि एश शायद पोकेमोन जर्नी के बाद हमें पोकेमोन सीरीज में ना देखने को मिले। आई नो ये सुनने में बहुत सैड लगता है क्योंकि देखा जाए तो हम लोग एश को बचपन से देखते आ रहे हैं, तो उसके बाद अगर वो सीरीज से जाएगा तो बुरा तो लगेगा ही, लेकिन मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि पोकेमोन की कंपनी ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि एक कैरेक्टर के साथ कितना ही ज्यादा काम कर पाओगे तुम, एक टाइम बाद उसको अपना गोल अचीव करना ही पड़ेगा और उसके बाद ये सीरीज को एंड करना ही पड़ेगा। तो इसलिए प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं रख सकते थे उन लोग, जो उन लोग कर रहे थे अभी तक, कि मतलब एश को हरा दे रहे हैं बहुत ही बुरी तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल टोबियस के अगेंस्ट जो बैटल था वो, या ब्लैक एंड व्हाइट में जो उसका फाइनल बैटल होता है कैमरून के साथ, वो भी एक बहुत बेकार बैटल था। बेकार बैटल से मेरा मतलब ये नहीं कि खराब बैटल था, बैटल देखने में मजा नहीं आया, बेकार बैटल से मेरा मतलब है कि मतलब वो अननेसेसरी था। वो बस ताकि एश दूसरे रीजन में ट्रैवल कर पाए इसलिए किसी भी ट्रेनर को इंट्रोड्यूस करा दिया और मतलब उसको एकदम स्ट्रांग दिखा दिया और फिर उससे एश को हरा दिया। तो ये चीजें मुझे पसंद नहीं आ रही थी और इसी वजह से मुझे बहुत टाइम से ऐसा लग रहा था कि शायद इनको एश को चेंज करना चाहिए, क्योंकि क्लियरली ऐसा नजर आ रहा है कि ये लोग ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे एश के कैरेक्टर के साथ। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस बार एश शायद पोकेमोन जर्नी या पोकेमोन सीरीज को छोड़ के जा सकता है। तो इसके बाद लोगों का सवाल होगा कि इसके बाद कौन प्रोटैगनिस्ट रहेगा। देखो जितना मुझे लगता है गो तो नहीं रहेगा, क्योंकि इतना तो समझ ही गया होगा पोकेमोन की कंपनी को कि गो किसी को पसंद नहीं, तो वो लोग कोई नया कैरेक्टर ला सकते हैं या उन लोग शायद मांगा को फॉलो कर सकते हैं, बट वो भी उन लोग नहीं करेंगे मुझे जितना लगता है, क्योंकि जो नया रीजन आया उन लोग उसको दिखाने की कोशिश करेंगे और नए रीजन का मांगा भी तभी लिखा जाता है जब गेम आ गया होता है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि मांगा को फॉलो करने वाला भी चीज अभी हमें होते हुए नजर नहीं आएगा, तो मेरे हिसाब से कोई नया कैरेक्टर ही आएगा, कोई नया प्रोटैगनिस्ट आएगा जिसपे बेस्ड हमें देखने को मिलेगी नेक्स्ट रीजन की स्टोरी। तो पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ कि जो भी मैं बता रहा हूँ अभी ये मेरे पर्सनल थॉट्स है, यानी कि मेरे पर्सनल ओपिनियन है। ऐसा हो सकता है कि ऐसा ना हो, ऐसा हो सकता है कि शायद फ्यूचर में भी हमें एश देखने को मिले, बट मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर मेरे हिसाब से उन लोग एश को फ्यूचर में दिखाते हैं तो कैसे दिखाएंगे, मतलब क्या मकसद होगा फिर एश का, क्योंकि देखा जाए तो उसका ड्रीम अभी पूरा हो जाएगा। तो इसी वजह से मेरे हिसाब से एश की जर्नी शायद एंड होते हुए नजर आ सकती है, अगर नहीं होती है तो बहुत अच्छा है, बट होती भी है तो उससे मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं कुछ नया देखना चाहता हूँ, कुछ ऐसी चीजें देखना चाहता हूँ जिससे और मजा आए पोकेमोन सीरीज देखने में। सो दैट वॉज इट फॉर द वीडियो गाइज, आई होप कि आप लोग को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को आज का ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आता रहूंगा इसी पोकेमोन के कंटेंट्स के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।